अभी अमित जी ने बताया, वैसे ये थेरेपी का, ये जो आपने बताया कि एंटीबॉडी एंटीबॉडीज थेरेपी जो है वो कहाँ से मिलती है? एक नंबर दो, बंबई में ये इलाज कहाँ कहाँ होता है? या और अगर हो तो वो कितनी महंगी है ये भी बता देना, ताकि वो पता चले लोगों को उनकी क्या है। ओके श्योर, वेरी नाइस क्वेश्चंस। तो मैं पहले सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगी कि ये क्या है ये एंटीबॉडी और कहाँ से मिलती है। तो ये एंटीबॉडी हमको मिलती है उन पेशेंट से जो ऑलरेडी कोविड-19 से लड़ चुके हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है अपनी नेचुरल रोग प्रतिकारक शक्ति से। जो भी पेशेंट कोविड-19 से रिकवर होता है उसकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज, ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स उनके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा ब्लड में। तो हम इन रिकवर्ड पेशेंट्स का प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, जो हम देते हैं पेशेंट्स को जिनकी बॉडी ने, उन पेशेंट्स को जिनकी बॉडी ने अभी तक अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति दिखाई नहीं है। तो ये किन लोगों से कलेक्ट करेंगे? तो उन पेशेंट से कलेक्ट करेंगे जो रिकवर होकर के, जिनको 28 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, और उनका प्लाज्मा लेकर के पहले टेस्ट किया जाता है कि उनके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज जो है वो सही प्रमाण में है कि नहीं, क्योंकि वो कम प्रमाण में है तो कोई मतलब नहीं है। तो वो प्रमाण अभी फिलहाल आईसीएमआर ने 1:640 बोला है, जिसको मेजर करने का एक तरीका होता है, और उस तरीके से देखा जाता है कि ये पेशेंट से द्वारा जो प्लाज्मा दिया जाता है उसके अंदर सक्षम मात्रा में एंटीबॉडीज है, और फिर वो प्लाज्मा पेशेंट जिसको, जो एलिजिबल है इसके लिए, उसको दिया जाता है। दूसरी बात कि ये इलाज बंबई में हो रहा है कि नहीं, तो यस, ये इलाज बंबई में हो रहा है। मुंबई में सबसे पहले पहल की थी लीलावती हॉस्पिटल ने, बट अनफॉर्चुनेटली उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। उसके बाद नायर इज द बिगेस्ट प्लेस, जहां पे नायर हॉस्पिटल में ये होता है बॉम्बे सेंट्रल में। हमारी खुद की हॉस्पिटल वोकहार्ट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल, जहां पे मैं हूँ कंसल्टेंट, हम लोग भी प्लाज्मा थेरेपी में इन्वॉल्व है और हम प्लाज्मा का ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हरकिशन दास रिलायंस, केएम हॉस्पिटल, एज वेल एज नानावटी हॉस्पिटल इन्वॉल्व है ये सब चीजों में। इसका कॉस्ट क्या है? तो उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है, अभी तक ये डेफिनेटिव नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई श्योर नहीं है कि इसमें 100% क्योर है। अगर ये 100% क्योर होता तो कोविड से डर ही नहीं लगता था, बट ये 100% क्योर नहीं है और एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। इसके लिए ये प्लाज्मा थेरेपी कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से दिया जाता है, और अभी फिलहाल बिकॉज ये ट्रायल में है इसके लिए फ्री दिया जाता है। 1 जुलाई को ये ऑर्डिनेंस आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि हम ऑफ लेबल प्लाज्मा देंगे, यानी कि अगर आप ये क्राइटेरिया में नहीं भी बैठते हो जो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में है, बट आपको ट्रीट करने वाले डॉक्टर को लगता है कि आप प्लाज्मा से रिकवर कर सकते हो या आप एलिजिबल हो प्लाज्मा के लिए, तो ऑफ लेबल यानी ट्रायल के बाहर से भी आपको प्लाज्मा मिल सकता है। अभी कॉस्ट के बारे में जो आपने मुझे पूछा, उसका जवाब कुछ दिनों में क्लियर होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट सिर्फ 1 जुलाई को ये ऑर्डिनेंस आया कि ऑफ लेबल यूज किया जाएगा। अभी ऑफ लेबल अगर ये यूज किया जाएगा तो इसका कॉस्ट डेफिनेटली आएगा। कितना आएगा उसके रिलेटेड कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र की जो है उनकी मीटिंग्स चल रही है, ताकि वो मिनिमम और सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में इसको अवेलेबल कर सके। तो ये पिक्चर की इसका कॉस्ट क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है, मे बी नेक्स्ट 2 वीक्स में हमको न्यूज मीडिया के द्वारा और कोविड टास्क फोर्स के द्वारा ये क्लैरिटी मिल जाएगी। बट मेरी जो कॉन्टेक्ट है ब्लड बैंक में, उनके रिलेटेड जो भी कॉस्ट है इसको टेस्ट करने का, इट कम्स अराउंड 11,000। तो आई डोंट नो ये लोग कैसे सब्सिडाइज करने वाले हैं इसको, बट होपफुली ये ऐसा अफोर्डेबल बनाया जाएगा ताकि पब्लिक के लिए और नॉर्मल पब्लिक के लिए, जो भी क्लास को वो बिलोंग करते हैं, सबको इसका बेनिफिट्स मिल सके। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर किए डॉक्टर हरिया। बट अंडर थंब फॉर यू बेसिकली, आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। और एक क्वेश्चन है इसी के संदर्भ में, क्या ये ट्रीटमेंट एक ही बार दिया जा सकता है या बार बार दिया जा सकता है? हाँ, तो इसमें है ना, सबसे पहले हम प्लाज्मा जो क्राइटेरिया फिट होने के बाद, कंसेंट लेने के बाद हम प्लाज्मा पेशेंट को देते हैं, और उसके बाद 24 घंटे तक हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट का रिकवरी रेट क्या, रिकवरी क्या है। मतलब उसमें हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होना, सांस लेने की गति जो पहले ज्यादा थी वो कम हो गई, पेशेंट को जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी थी वो कम हो गई। तो ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन प्लस थोड़े से बायोमार्कर्स है, ये सब साथ में मिला के अगर हमें लगता है कि पेशेंट इंप्रूव हुआ है तो हम रिपीट नहीं करते,
नहीं तो 24 घंटे में हम एक और बार रिपीट करते हैं। तो टोटल आज तक सिर्फ दो ही बार रिपीट करने का आदेश दिया गया है, गाइडलाइंस बनाई गई है, उससे ज्यादा हमने रिपीट नहीं किया, क्योंकि अगर दो बार में काम नहीं आती है तो आई थिंक वो ट्रीटमेंट फेलियर ही है। और अगर आप मुझे डोनर के बारे में पूछना चाहते हैं कि एक डोनर प्लाज्मा कितनी बार डोनेट कर सकता है, तो वो डोनर एक बार डोनेट करने के बाद नेक्स्ट 15 डेज में भी डोनेट कर सकता है, फिर भी हम उसको 1 मंथ के बाद बोलते हैं डोनेट करने के लिए। आई थिंक डॉक्टर हरिया ये राइट था आपके क्वेश्चंस का आंसर? या गुरु मिला बहुत अच्छी तरह से समझाया डॉक्टर हनी सावला। अभी हमारे ऑडियंस और रिगार्डिंग गुरु पूर्णिमा, ये गुरु पूर्णिमा का दिन है और हनी सावला और निमित नागड़ा ने बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम को सजाया है, तो मैं उनको गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा देता हूँ। और जैसे हमारे गुरु हैं वैसे वो हमारे ये ग्रुप के गुरु हो गए अभी। Yes, definitely, definitely. गुरु आप हो सर। अभी हमारे ऑडियंस से हमें काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे टीम मेंबर्स वो वन बाय वन करके डॉक्टर्स हनी सावला और डॉक्टर निमित नागरा को क्वेश्चंस करेंगे पूछेंगे। मैं पहले भविक वीरा को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्वेश्चंस स्टार्ट करें पूछना ऑडियंस की तरफ से। हेलो डॉक्टर हनी सावला एंड हेलो डॉक्टर निमित नागरा, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सर्विस विच यू आर डूइंग इन सच डिफिकल्ट टाइम्स राइट नाउ, एंड वी आर टोटली प्राउड ऑफ यू बोथ एंड ऑल द डॉक्टर्स इन आर केवीओ हु आर बीन इन द फ्रंट लाइन। So the audience which we are the question they are asking us is ke if I am a COVID test positive hota hoon main aur agar mujhe main recover hoke if I plan to donate plasma, so what are the chances if I getting a COVID again? You want me to answer this question? Yeah, go ahead, yeah. Dr. Hani. Yeah, so iska answer aisa hai ki प्लाज्मा डोनेशन एज सच रिस्क नहीं है कोविड इन्फेक्शन वापस से आने का, बट प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आपको वो ब्लड बैंक जाना पड़ता है। तो आप अपने घर से निकल के ब्लड बैंक तक जो जाते हो, तो जो हमारे प्रिकॉशंस ऑलरेडी हमने सारी जनता के लिए बताए हैं, मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये सारे स्टेप्स आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको कोई भी न्यू इन्फेक्शन होने का रिस्क नहीं है। एज सच प्लाज्मा डोनेशन खुद एक रिस्क है ही नहीं, इनफैक्ट वो कम्प्लीटली सेफली फॉलो किया जाता है, और जो हमारे ब्लड बैंक्स है वो लोग भी कम्प्लीटली मास्क हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग कम्प्लीटली अप्लाई करते हैं, तो एज सच उसमें आपका कोई भी रिस्क नहीं है। तो मैं ये मीडियम के थ्रू बताना चाहती हूँ हमारे डोनर्स और उन लोगों को जो एलिजिबल डोनर्स है कि प्लीज घबराइए मत, प्लाज्मा डोनेट करने से आपको कोई नया इन्फेक्शन नहीं होने वाला है, और बाकी आप अपने नॉर्मल स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए जब भी आप ब्लड बैंक जाते हैं तभी। और वापस अगर ये जानना चाहते कि हमको एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो हमने डोनेट कर दिया तो अभी हमारी एंटीबॉडीज कम हो गई और हमको वापस से इन्फेक्शन आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज जो ब्लड में है उसमें से हम सिर्फ 600 ml ब्लड दे रहे हैं, बाकी तो पूरा ब्लड में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज है और वो और भी ज्यादा मैन्युफैक्चर हो सकती है फिजियोलॉजिकली। तो इसकी वजह से हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ तो क्या। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया डॉक्टर निमित नागड़ा के लिए, द पीपल आर आस्किंग कि थायराइड पेशेंट्स क्या प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? जी हाँ, तो डोनर्स के लिए जो क्राइटेरिया है अभी, जस्ट एक बार मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ। ओके, मेल्स फीमेल्स हु हैव नेवर हैड प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, हीमोग्लोबिन मोर देन 12.5 ग्राम्स, weight more than 55 kg, age more than 17 years, ये basic criteria है। इन्हें छोड़ के फिलहाल कुछ relative criteria हैं जो case to case basis पे patient के examination पे और उनके parameters पे decide किए जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर हनी ने थोड़ी देर पहले भी कहा उनके वीडियो में कि जो patients who are on insulin और who are on anti-diabetic medication, anti-hypertensive medication, who have some fluctuations of blood pressure, people who are on chronic medications for other illnesses like thyroid, filhal they have been kept on hold as in relatively contraindicated. So as of now, those patients या वो लोग जिन्हें जिन्हें कोई बीमारी नहीं है,
उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, तो हम ऐसा आपको सजेस्ट करेंगे कि जो लोग मेल्स स्पेशली जिन्हें कोई पहले की बीमारी नहीं है, जिन्हें कोई दवाइयां नहीं चल रही हैं और वो अब कोरोना में से बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें खास करके इस मुहिम में आगे आना है। फिलहाल के लिए ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, थायराइड या किसी भी प्रकार की दवाइयों पर जो हो उन्हें हम अभी और गवर्नमेंट और ब्लड बैंक्स ये कह रही है कि आप फिलहाल प्लाज्मा डोनेट मत कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से आए हैं, और जेनिल प्लीज पूछेंगे डॉक्टर से। हेलो डॉक्टर रेमिंग, यू बोथ आर डूइंग वेरी गुड जॉब एंड वी आर गेटिंग वेरी नाइस रिव्यूज ऑन द कमेंट्स दिस थिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आवर ऑडियंस इज आस्किंग इज, आज के डेट में जो ये प्लाज्मा थेरेपी है वो व्हाट इज द टॉप रिस्क दैट इज देयर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आई मीन इन इंडिया व्हाट इज द टॉप रिस्क विद रिगार्ड्स टू दिस प्लाज्मा थेरेपी इन इंडिया। सो प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड वो सारे रिस्क है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिलेटेड भी पहले हुआ करते थे, जैसे कि फीवर आ जाना, एलर्जिक रिएक्शन होना, रैशेस हो जाना, और कुछ सीवियर रिएक्शंस है जैसे कि जो बहुत रेयर है लेट मी टेल यू, बट है सीवियर रिएक्शंस जैसे कि लंग्स में पानी भर जाना और सडनली सांस लेने की तकलीफ होना, या फिर लंग को इंजरी होना, लंग के जो सेल्स है एल्वेलाई जो बोलते हैं उनको सडन इंजरी होना जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी, और एज वेल एज उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना बॉडी में, ऐसे तीन डेंजरस डिसऑर्डर है, बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एब्सोल्युटली रेयर है। मैक्सिमम रिएक्शन जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है वो है एकदम लो ग्रेड फीवर का एक एपिसोड बस, उसके अलावा अगर आपने एफिशिएंटली अच्छे से मॉनिटर करके प्लाज्मा दिया और हॉस्पिटल सेटिंग में इसको देना है ऑब्वियसली, जहाँ पे डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो और मॉनिटर करने के लिए बैक अच्छा सारा सेटअप हो और बैकअप हो आईसीयू का, तो ऐसे सेटअप में हम देंगे तो कोई भी खतरा नहीं है, बट मॉनिटरिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी है। बट सबसे कॉमन रिएक्शन सिर्फ फीवर और रैशेस ही है और जो ट्रीटेबल है और हॉस्पिटल में एकदम मिनिमम कॉस्ट पे ट्रीटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है यहाँ पे, एज यू सेड कि प्लाज्मा इज यूजफुल फ्रॉम अ रिकवर्ड पर्सन, पब्लिक पूछना चाहती है कि सिंगल रिकवर्ड पर्सन उसका प्लाज्मा कितने पेशेंट्स को एट अ टाइम काम आ सकता है। तो एक सिंगल पर्सन से हम लोग 600 ml तक कलेक्ट करते हैं, 500 टू 600 ml तक, और वो दो इंसान को दे सकता है डोनेट, दो इंसान को एट अ टाइम यूज हो सकता है। तो बेसिकली इफ यू आर अ डोनर यू आर सेविंग नॉट वन लाइफ, यू आर सेविंग टू लाइव्स एट अ टाइम, सो प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू सेव लाइव्स। Thank you so much, Dr. Hani. Now, next question, Mahek will ask to the doctors. One question from the audience was regarding that, is any person, every person is fit for donating plasma, like in for blood donation also, some few things are required in the blood levels, like hemoglobin or something, which is also required in the plasma donation? I think Dr. Nimit will answer this. Yeah. He already spoke about it. Yeah, so जैसा मैंने कहा, hemoglobin more than 12.5 grams, serum protein levels more than 6 grams, weight more than 55 kg, age more than 17 years, these are some of the important criterias. इसके अलावा जो अगर कोई pregnant अगर female हुई है या उन्होंने बच्चा deliver किया है तो तब क्या होता है, antibody generation हो जाता है body में. So they have a mismatch of antibodies and they cannot donate. So males specially can donate who don't have any, jinne koi aur koi illness nahi hai, aur koi rog nahi hai, diabetes, hypertension, thyroid aisa. Baki ye jo criteria hai jo blood donation mein hai, bilkul waisa hi hai. Ki aapka hemoglobin 12.5 gram ke upar rahe, aapka blood pressure control mein normal ho, aur wazan ke hisab se aap theek ho. तो आप बिल्कुल प्लाज्मा डोनेट कीजिए और आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे, आपको कोई अशक्ति नहीं आती है, और हमारे समाज में तो कितने लोगों ने बहुत बार ब्लड डोनेट किया है तो दे नो इट, सो वी डोंट नीड टू टेल एनीबॉडी। राइट, थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर हनी सावला, डॉक्टर निमित नागड़ा,
आपने काफी कवर किया है ये टॉपिक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में. अभी हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सेशन एंड, अगले चरण एंड में होने वाला है. एंड वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू टू डॉक्टर्स. यू हैव रियली रियली क्लियर्ड आवर डाउट्स अबाउट प्लाज्मा थेरेपी. और हम हमारे KVO 5242 फेसबुक ग्रुप की तरफ से आपके आभारी हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर हनी सावला और डॉक्टर निमित नागरा. आपने काफ़ी अच्छी तरह से हमें समझाया प्लाज्मा थेरेपी, उसका यूज़, और ये भी क्लियर किया कि इट इज़ नॉट सक्सेसफुल येट, इट इज़ स्टिल अ क्लिनिकल ट्रायल. एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं. And we are very, very grateful to give you a valuable time to us. हमारे Facebook group पे आप live आए. Thank you so much. और मैं Dr. विसन जी नागड़ा और Dr. भूपेंद्र हरिया का भी धन्यवाद मानती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमें question answers round में help किया और doctors के पास से हमारे अच्छी जानकारी हासिल की. Thank you so much. और मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने लाइव सेशन पे हमें सुना. और हम और ये अपेक्षा करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड आई वुड लाइक टू अनाउंस हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. हम ये कंडक्ट करने वाले हैं विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू फैमिली एम्पावरमेंट. सो ऑल द हस्बैंड्स, फादर्स, सन्स, प्लीज टू ट्यून इन टू आवर फेसबुक पेज. हम लोग अपडेट करते रहेंगे ये नए टॉपिक के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में. थैंक यू सो मच. Troy pasti yang aman. Troy bika Troy mana? Mana? Ini pernah tahu tapi phone gue tu nana. Thank you doctors, it was amazing. Good. Thank you Nimit Nagra, Dr. Nimit Nagra, Dr. Hani Savla, you all were amazing, superb. All the doubts were cleared and senior doctors also, thank you so much. They are not there with us. Welcome. Thanks a lot for organizing this. Looking forward for more such sessions. Yeah, definitely. Thank you so much. Okay. Bye-bye. Bye. Bye, everybody. Bye. Stop the live on Facebook. हम लोग लाइव दिख रहे थे अभी. हाँ, still we are live. Lalit bhai, stop on my...